हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज के स्टूडियो में हम लोग बात करेंगे MIUI 10 के नए बीटा अपडेट के बारे में, जो कि है 9.3.14। और ये अपडेट हम लोगों को मिल चुका है हमारे रेडमी नोट 5 प्रो में। चलिए जानते हैं इस अपडेट में क्या कुछ इस हफ्ते हम लोगों को देखने को मिलता है। तो उससे पहले, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। मैं इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आता रहता हूँ। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस अपडेट में क्या कुछ खास है। सबसे पहले चलते हैं सेटिंग में, और उसके बाद यहाँ पर अबाउट फ़ोन में, और उसके बाद हम लोग चलेंगे सिस्टम अपडेट में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अपडेट हो चुका है हमारा फ़ोन 9.3.14, और ये वीकली अपडेट है, बीटा अपडेट है। उसके बाद हम जाते हैं व्हाट्स न्यू में, और उसके बाद यहाँ पर व्हाट्स न्यू आप देख सकते हैं कि अदर्स में सिर्फ दो ही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है, जो कि हमेशा हम लोगों को देखने को मिलता है। ऑप्टिमाइज सिस्टम परफॉर्मेंस, इम्प्रूव सिस्टम सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। तो ये हमेशा की तरह इसी तरह से लिखा हुआ रहता है, यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर चेंज नहीं हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर बात करें कि इस अपडेट में क्या कुछ चेंज हमें देखने को मिलता है, तो सबसे पहले यहाँ पर बैक जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ये कॉमेंट कर रहे थे, ये पूछ रहे थे और ये भी बता रहे थे अपने वीडियोज़ में कि इस हफ्ते के बीटा अपडेट में हमें रेडमी नोट 5 प्रो में, रेडमी नोट 6 प्रो में एंड्रॉयड पाई का अपडेट देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं दिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड्रॉयड वर्जन जो है वो अभी भी ओरियो 8.1.0 पर ही है। किसी तरह का यहाँ पर एंड्रॉयड पाई का अपडेट नहीं दिया गया है रेडमी नोट 5 प्रो का को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सिक्योरिटी पैच लेवल जो है वो 1 मार्च का हो गया है, जो कि मैं पहले वाले अपडेट में आपको बता दिया था। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या कुछ इस अपडेट में नया आया है। तो सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ MI फॉर्म पे, और वहाँ पर जो इसका चेंज लॉग है वहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर चेंज लॉग निकल के आया है इस अपडेट में। तो यहाँ पर मैं ओपन कर लिया हूँ MI का फॉर्म, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे डिवाइसेस के नाम लिखा हुआ है जो इस अपडेट को सपोर्ट करता है। वो सभी डिवाइसेस के यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, और उसके साथ में बहुत सारे नीचे इन्फॉर्मेशन हम लोगों को देखने को मिलता है। सबसे पहले यहाँ पर अपडेट 9.3.14 फॉर रेडमी नोट 4 क्वाइल कैम, रेडमी नोट 4X और रेडमी 5 प्लस डिले टू सिस्टम एरर। सिस्टम एरर के कारण ये अपडेट डिलेड हो गया है हमेशा के कारण, हमेशा की तरह। और यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल जाता है अपडेट 9.3.14 रेडमी S2 इज डिले ड्यू टू टेस्टिंग ऑफ एंड्रॉयड पी। तो रेडमी Y2 या S2 में एंड्रॉयड पाई का टेस्टिंग हो रहा है, इसके वजह से ये अपडेट नहीं आया है रेडमी Y2 या S2 में। नेक्स्ट अपडेट में हो सकता है कि एंड्रॉयड पी के साथ, एंड्रॉयड पाई के साथ रेडमी S2 या Y2 में अपडेट देखने को मिलेगा। उसी तरह से नीचे हम लोगों को देखने को मिल जाता है बहुत ही बढ़िया, यहाँ पर रेडमी नोट 6 प्रो के लिए एंड्रॉयड पी का अपडेट आ गया है, और आप जब भी इसको अपडेट कर लेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज़ डू नॉट कम बैक टू एंड्रॉयड ओरियो आफ्टर अपग्रेडिंग टू एंड्रॉयड पाई। तो यहाँ पर पूरा तरीके से लिखा गया है कि अगर आप अपडेट कर लेते हैं एंड्रॉयड पाई पे और आप फिर से जाना चाहते हैं एंड्रॉयड ओरियो पे तो आप ऐसा मत कीजिए। यहाँ पर लिखा है कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है आपके डिवाइस के साथ, तो ये वार्निंग दिया गया है। और ये बताया गया है कि अगर आप एंड्रॉयड पाई अपडेट कर लेते हैं उसके बाद एंड्रॉयड पी पे मत जाइए, नहीं तो आपका फ़ोन ब्रिक हो सकता है। तो ये कुछ अपडेट है इसमें जो इस अपडेट के साथ में आया है, और ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं क्या कुछ इस अपडेट में चेंज लॉग देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लाइव वॉलपेपर को फिक्स किया गया है, और उसी तरह से यहाँ पर हम लोगों को जो पिछले अपडेट में आया था ये वाला सिस्टम, ये वाला फीचर्स, जैसे कि यहाँ पर फेस को रिकॉग्नाइज करता था और यहाँ पर टिक मार्क लग जाता था, जैसे कि अभी आप यहाँ पर देखेंगे कि यहां पर एक टिक मार्क लग जाएगा। जैसे कि आप अभी यहाँ पर देखेंगे कि टिक मार्क लग जाएगा, यहाँ पर देखिए टिक मार्क यहाँ पर लग चुका है। तो ये उतना अच्छा तरीके से रिकॉग्नाइज नहीं करता था पिछले अपडेट आने के बाद और ये फीचर आने के बाद, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसको जो भी प्रॉब्लम था उसे फिक्स कर दिया गया है इस अपडेट में, अब ऐसा हम लोगों को बाद में देखने को नहीं मिलेगा, इसके साथ में कोई भी बड़ा इशूस नहीं होगा। और उसके बाद हम लोग बात कर लें कि और क्या कुछ इस अपडेट में देखने को हमें मिलता है। तो सबसे पहले मैं लेकर चलता हूँ MI का ड्रॉप में, और MI ड्रॉप में यहाँ पर जैसे ही आप जाएंगे तो आप कुछ इस तरह से MI का ड्रॉप देखने को मिलेगा। आपको ऊपर के साइड में यहाँ पर एक नया आइकन देखने को मिलेगा, ये आइकन क्या है तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ही आपको मालूम चलेगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद ये कुछ इस तरह से हमारा प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा, गूगल प्ले स्टोर, और उसके बाद यहाँ पर जिल्ली मैजिकल वीडियो मेकर, ये क्या है, एक फोटोग्राफी है, तो इसको आप बोलेगा आपको इंस्टॉल करने के लिए। इसको मैं बाद में इंस्टॉल करूंगा, अगर आपको इसको यूज़ करना है तो आप जाके इसके इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं और जान सकते हैं कि ये क्या है और कैसे काम करता है। फिलहाल हम लोगों को MI ड्रॉप में ये एक आइकन देखने को मिलता है यहाँ पर। उसके अलावा
क्या कुछ आया है तो वो मैं आपको बताता हूँ फाइल मैनेजर में जाके। और फाइल मैनेजर में जाएंगे तो पहले हम लोगों का ये फीचर्स था कि जब भी हम अपने हाइडन जो भी कंटेंट था, जो भी डॉक्यूमेंट्स था, वो खींचते थे तो नहीं निकलता था, और इसका फीचर्स को गायब कर दिया गया था, लेकिन इसको फिर से वापस ऐड कर दिया गया उसी तरह से जैसे पहले काम करता था। अब जो भी आप चीज़ें हाइड करके रखे होंगे वो यहाँ से खींचेंगे तो आपका जो भी हाइड था वो निकल जाएगा, और यहाँ पर बोलेगा आपका MI अकाउंट का पासवर्ड डाल के आप उसे देख सकते हैं। और यही नहीं, आप यहाँ पर भी जाएंगे तो यहाँ पर भी हाइडन फोल्डर्स का फीचर्स मिल जाएगा, आप यहाँ से भी अपना पासवर्ड डाल के उसे देख सकते हैं। तो यही कुछ नया चीज़ें इस अपडेट में आया है, इसके अलावा कुछ और देखने को नहीं मिलता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।